खबर राजस्थान के ब्यावर जिले के जैतारण से है, जहां पर मंगलवार को ब्यावर जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत जैतारण के दौरे पर रहे। वहीं आगे वह ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल आयोजित कर ग्रामीणों की परिवेदनाएं सुनी और त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए। साथ ही कार्मिक नियत समय पर उपस्थित होकर कार्यालय समय में आमजन की समस्याओं का प्रभावी रूप से निस्तारण करने के भी जिला कलेक्टर के द्वारा निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत मंगलवार को जैतारण क्षेत्र के दौरे पर रहे। जिला कलेक्टर ने जैतारण विधानसभा की आगे व ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल आयोजित कर आमजन की परिवेदनाएं व समस्याएं सुनी। वहीं रात्रि चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीण जन पहुंचे। ग्रामीण जनों ने जिला कलेक्टर के समक्ष अतिक्रमण, साफ सफाई, बिजली, पानी, खाद्य सुरक्षा एवं पट्टे इत्यादि से जुड़ी विभिन्न समस्याएं रखी, जिस पर जिला कलेक्टर ने सभी परिवेदनों को प्रभावी रूप से सुनकर ज़्यादातर परिवेदनों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। साथ ही जिला कलेक्टर ने अवैध अतिक्रमण एवं ग्रामीण जन की परिवेदनाओं को गंभीरता से लेते हुए कहा कि अवैध रास्ता अवरुद्ध अतिक्रमण के साथ ही अन्य शिकायत मिलने पर सत्यापन करें व शिकायत का प्रमाण मिलते ही तत्काल प्रभाव से अतिक्रमण हटाए जाएँ। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आमजन से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्याओं या शिकायतों की जानकारी प्राप्त होते ही त्वरित रूप से निस्तारण करें। साथ ही जिला कलेक्टर ने कार्यालय समय में उपस्थित होकर आमजन की परिवेदनाएं सुनने व उनके कार्यों का निस्तारण करने को लेकर वे लापरवाही बरतने पर नियमानुसार कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार की मनसानुरूप जन कल्याणकारी योजनाओं से आमजन को ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित करें एवं आमजन के किसी भी लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करें। जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों को जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत स्तर पर माह के प्रथम गुरुवार को, ब्लॉक स्तर पर माह के दूसरे गुरुवार को एवं जिला स्तर पर माह के तीसरे गुरुवार को जन सुनवाई की जाती है। वहीं इस दौरान जैतारण उपकरण अधिकारी रवि प्रकाश सहित समस्त विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण मौजूद रहे। अब समझ नहीं, ये चाहते हैं कि इसको आबादी मिले।